तो गाइज हमारे यहाँ पे ऐसी दिवाली मन रही है, ऐसे लग रहा है कि बिल्डिंग की शादी हो रही है। जैसे मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मैं फटाक से वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो कैसा लग रहा है ये सामने वाला बिल्डिंग, इतना तैयार हो कि दिवाली के लिए इतनी तैयारी हो गई है। बाप रे, इस बिल्डिंग का बजट बहुत ज़्यादा है लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, देखते ही तो मेरी आँखें एकदम फटी की फटी रह गई, इतना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सभी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। इवेक कल क्या है, कल 21 तारीख रहेगा ना, हाँ कल धनतेरस है, तो सबकी तैयारियां ख़त्म भी हो चुकी हैं। मतलब त्यौहार के लिए जो करना था घर में साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुका है, मेरे घर में भी हो चुका है, पर मेरा काम अभी थोड़ा बाकी है क्योंकि मुझे कपड़े सिल के देने हैं लोगों के, तो वो अभी बाकी है। और अभी इतना खूबसूरत बिल्डिंग बिल्डिंग तो जैसा है हमेशा से वैसा ही है, पर इतना सजा धजा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अभी किचन में आई इतने टाइम और मैंने देखा तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि नहीं नहीं मुझे तो आप लोगों को भी दिखाना है, मैंने फट से वीडियो बनाया। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इतना तैयार वैर होकर कहाँ जा रहा है कहीं मजा यहीं रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा देखती रहूँगी तुझे। और अभी आज भी थोड़े काम बाकी थे तो आज पूरा फाइनल हो चुका है, सब साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कपड़े, अभी शाम को धोए गए क्योंकि पानी पता नहीं क्या हो गया, साफ सफाई करना है और वॉचमैन पानी बंद कर दे रहा है। सभी सारा काम हो चुका है मेरा, सब सारी साफ सफाई हो गई है और अब जा रही मैं खाना बनाने के लिए। सुबह से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं आज मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक काम में लगती हूँ तो दूसरा काम भूल जाती हूँ। अगर मैं कपड़े बनाने जाती हूँ तो मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कपड़े बनाना भूल जाती हूँ, बस इसीलिए बनाया नहीं। ब्लाउज तो रेडी हो गया है और मैं रोज़ रोज यही कपड़े पहनती हूँ, आप लोग सोचेंगे एक ही कपड़ा पहनते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ कि अगर मुझे मैंने कबट खोला जो मेरे हाथ में आ गया कपड़ा यही उसके लिए कंफर्टेबल हो तो मैं वही कपड़ा पहनती रहती हूँ। और वैसे भी आयुष्मान के स्कूल की भी छुट्टी चालू हो गई है, लोगों के स्कूल की कॉलेज की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं तो कहीं जाना तो है नहीं, इसलिए फिर मैंने यही पहन लिया। और ऐसे कभी बाहर जाना होता तो सोचती हूँ कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पर अब मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग भी सोचेंगे रोज रोज एक ही कपड़ा पहनते रहती है। फिटिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया पर मुझे काम करना है, बहुत अर्जेंट है, वो सब काम करके देना है। तो अभी फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ फिर देखती हूँ, अगर कुछ रहेगा तो आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। रहेगा ना तब कर सा वो गला घास गद 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 नहीं नहीं क्या किससे बात हुई विनोद एलियन ने पहला चीज बोला विनोद एलियन ने खाया मां के हाथ का दाल भात बोला ये क्या चीज बना डाला लोटपोट के मस्ती बोलते हैं इसको, कौन आयुष्मान की मस्ती लोटपोट। ये आया फोन में घुसा, अरे मेरे को लगा फोन में घुसेगा अभी। अरे आयुष्मान ने देख लिया एलियन का इन्वेजन, एलियन आने वाले 8 दिसंबर को। कितने बजे अपलोड करना है? पहले होता था ज़ॉम्बी इन्वेजन, अभी होता है एलियन इन्वेजन। ज़ॉम्बी इन्वेजन तो तब होगा ना जब लोग कैनिबल्स बन जाएंगे, ज़ॉम्बी बताऊं करके नहीं, एलियन जाए मेरे घर आके रखे गए 100 करोड़ कैश, फिर सीधा इनकम टैक्स वाले आके घर खोद डालेंगे। एलियंस निकले लवली के दोस्त। अरे मेरे दोस्त ये नहीं, वो लोग मेरे दोस्त एलियंस, मेरे दोस्त तो बंदर हैं। तेरे दोस्त लोग भी ये वीडियो देखेंगे, देखने दो लोग देखते ही हैं, उन लोगों को मैं पर्सनली भेजूंगी। मेरे जो रियल दोस्त है वो लोग सब बंदर है, और जो मेरे रियल रियल दोस्त है वो लोग एलियंस है, वो लोग आएंगे 8 दिसंबर को, आएंगे 8 दिसंबर को, आए लोगों ने आएंगे पूरी दुनिया तबाह करने जाएंगे एडवांस में। एलियन ने दिया जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एलियन ने दिया सोलर सिस्टम को प्रोटेक्शन, एलियंस ने बोला हम लोग को फिर से लव
नवरात्रि करना है। एलियंस ने बोला जय महाकाल। एलियंस ने बोला हमें जाना होगा पर्वत, वहां पे हम मिलेंगे शिव जी से, फिर आएंगे आप सबसे आगे बात करके। एलियंस ने फर्स्ट आते ही बोला जलेबी ने फाफड़ा गणपति बप्पा। एलियंस ने बोला बिग बॉस का सीजन 16 देखने आया हूँ गाइस। एलियंस ने कहा हमें भी जाना बिग बॉस के घर, जाएंगे बिंदु आंटी के साथ। टेंशन मतलब बिंदु मेरे वीडियोस देखती नहीं है, भावना पर देखती है। हाँ तो क्या हो गया, भावना को चलेगा। इसने बोला हमें मिलना है राखी सावन से, करनी है थोड़ी गपशप। एलियंस बोलेंगे हम लोग को मिलना है अर्चना से, तीनों से मिल जाएंगे। पर आज है ना इतना मस्त गॉसिप किया है ना अर्चना ने, मतलब बिग बॉस में सो आज बहुत अच्छा दिखा। और अब तो मेरे दो दो फेवरेट सो रहे हैं, शिव और शालीन। शालीन या शालीन जो भी नाम है। एलियंस से बोला हमको मिला है शालीन से। एलियंस से बोला हमको देख रही बार्बी थ्री। बार्बी थ्री तेरे को बार्बी बोली मैं। हाँ तू ही तो पता है पहले कैसे बोलता था बार्बी देखनी मुझे। एलियंस ने बोला मुझे आना गीताज लाइफ के चैनल पे और आगे करनी है थोड़ी। ओके ओके वेलकम वेलकम वेलकम। तो वो लोग आएंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो सीधा फटाक से कैमरा उठाऊंगी और फटाक से वीडियो बनाने लगे। सबसे पहले मुझसे मिलने आए लोग, बोलेंगे गाना गाएंगे, बोलेंगे मस्ती में नाचेंगे सारे, बोलेंगे बोलूंगी जरा सिखाओ मुझे लाइव कैसे जाते हैं। मुझे नहीं आता ना, अब मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है मुझे। चलो चलो सोने चलते हैं, चलो जा खाना खा ले जा। एलियंस ने बोला हम लोग को नहीं बैठना आयुष्मान के साथ। तो अभी मुझे तो बहुत तगड़ी नींद आ रही है, लेकिन मेरे घर में मस्तियां चालू हैं। इन लोगों को अभी बहुत एनर्जी बची हुई है, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ सोने और ये लोग जागेंगे और रात भर करेंगे मस्तियाँ। तो फिर चलो सोते हैं। खाना तो तुमने कब का खा लिया है? अभी तो खाना है, अभी और खाना है। बहुत तगड़ी नींद आई हुई है, चल मैं जा रही सोने, एंजॉय, खाना खा ले। खा के तो चलिए सब लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जब एलियंस आएंगे तब खाना खाऊंगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।